जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। भाई मारुति की ना स्विफ्ट अलेक्सा वेरिएंट है भाई, सबसे ज़्यादा ना मॉडिफिकेशन वाली कार भाई, सबसे ज़्यादा इसी को ही प्रेफर करते हैं लोग। क्या क्या इसमें मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला, सब इसमें आपको बताऊंगा। सबसे ज़्यादा ना मॉडिफिकेशन जो होती है ना, स्विफ्ट को मॉडिफाइड करवाते हैं और बेस मॉडल ही लेना पसंद करते हैं। तो अलेक्सा ही के बारे में थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, इस गाड़ी के अंदर क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता, और कहाँ तक इसका अंदाज़ा नहीं है, कहाँ तक आप पैसा लगा सकते हो आफ्टर मार्केट। स्विफ्ट का बेस मॉडल अलेक्सा वेरिएंट है, ये पेट्रोल के अंदर आती है, ये अलेक्सा वेरिएंट आता कुछ नहीं है। आफ्टर मार्केट आप बहुत कुछ इसमें कस्टमाइज करवा सकते हो भाई। इसमें ना पहला तो बॉडी कलर बम्पर मिल जाता है, और नीचे ना ये क्रोम वाली ग्रिल मिल जाती है, और सुजुकी का लोगो आ जाता है। लाइट्स भाई इसमें हैलोजन लाइट्स आती हैं, और ये इंडिकेटर आ जाएंगे। नीचे फॉग लाइट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, आप फॉग लाइट्स इंस्टॉल करवा सकते हो। भाई साइड प्रोफाइल की बात कर लें, साइड प्रोफाइल की 14 इंची के इसमें आपको स्टील के रिम मिलते हैं, लेकिन इसमें फुल व्हील कवर्स वगैरह नहीं आता, वो भी आप लगवा सकते हो। तो इसके अंदर ना आपको एक के रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, नॉर्मल ना ही ऑटो मिलता है इसके अंदर। भाई दिल्ली में स्विफ्ट अलेक्सा का एक्स शोरूम की कीमत है 599,450, आपको एक्स शोरूम मिल जाएगा। ये लगभग ऑन रोड पड़ जाती है 690 के आसपास आपको गाड़ी पड़ जाती है। भाई आफ्टर मार्केट ना आप इसमें कुछ भी कस्टमाइज करवा सकते हो, अलॉयज हो गए, फॉग लाइट से डाउन करवा सकते हो, लाइट चेंज करवा सकते हो, और सिस्टम लगवा सकते हो, काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस करवा सकते हो। तो भाई स्विफ्ट की माइलेज की बात कर लें, तो भाई मारुति जो क्लेम करती है वो 23.20 की मारुति क्लेम करती है, और ऑटोमेटिक की बात करें तो 23.76 की मारुति क्लेम करती है। लेकिन भाई इसमें ना आप 5 कम कर लो, लगभग 17-18 के बीच में ना आपको इसमें माइलेज निकल के आ जाती है। मैनुअल में भी और ऑटोमेटिक में दोनों में लगभग सेम ही आती है। भाई 1200cc का इसके अंदर इंजन आता है भाई, 66 किलोवाट पावर जनरेट करती है 6000 rpm पे, और भाई 113 Nm का टॉर्क आता है 4400 rpm। आफ्टर मार्केट इसमें अलॉय लगवा सकते हो। भाई साइड के फेंडर में ना आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स दिख जाएगा, और भाई ये आपको ORVM जो है ये आपको ब्लैक मिलेगा। इसमें आप या तो डीलर से बोल के आप इसको पेंट करवा सकते हो, वो चार्ज आपको देना पड़ेगा, या तो आफ्टर मार्केट आप इसको लाइट्स वाले लगवा सकते हो। भाई इसके डोर हैंडल्स वगैरह भी ना आपको ब्लैक ही मिलेंगे। भाई गाड़ी कुछ इस टाइप की दिखती है, अलेक्सा वेरिएंट। पीछे से बात कर लें भाई, पीछे सी शेप आपको टेल लैंप्स मिल जाती हैं, इसमें रिफ्लेक्टर हो जाएंगे, आपको रिवर्स लाइट आ जाएगी, और आपका ये इंडिकेटर आ जाएंगे, और सुजुकी का लोगो, और ये स्विफ्ट की बैजिंग, और ये सुजुकी का लोगो आ जाएगा पीछे। पीछे कोई ना तो डिफोगर आता है, ना वॉशर वाइपर आता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प आ जाती है इधर, और पीछे मिल जाता है आपको एक एंटीना मिल जाता है गाड़ी के अंदर। यहाँ से कोई ओपन करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। 4 पार्किंग सेंसर वगैरह आपको मिल जाते हैं, बॉडी कलर बम्पर मिल जाता है इसमें। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, गाड़ी के अंदर क्या क्या आता है और किस तरीके का सिस्टम है, क्या है, सब कुछ मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा। भाई इसमें ये मैनुअली की मिलती है, की रिमोट कीलेस एंट्री नहीं मिलती इसके अंदर। चलिए अंदर चलते हैं गाड़ी के। भाई डोर्स में ना पावर विंडोज़ वगैरह नहीं आती हैं। भाई पहले के टाइम में जो गाड़ी आती थी वो हाथ से घुमाने रोलिंग वाली, वो आज भी आ रही हैं, क्रोम फिनिश वगैरह नहीं मिलता। तो भाई ये ORVM की बात करूँ ना, तो भाई ये आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये ड्रॉबैक है बहुत बड़ा मारुति का, अब अंदर दिखाता हूँ आपको। भाई इसमें ठीक ठाक इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है भाई। और स्पीडोमीटर देख लो, बस नॉर्मल सा स्पीडोमीटर वगैरह मिलता है, सिस्टम वगैरह नहीं आता है। अब आफ्टर मार्केट इसमें आप सिस्टम टच वाला या फिर मैनुअली आप आफ्टर मार्केट करोल बाग से आप इसको कुछ भी कस्टमाइज करवा सकते हो। भाई इसमें कुछ भी वुडन फिनिश पैनल वगैरह नहीं आते, ये नॉर्मली आता है इसके अंदर। वीक सही ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ दिख जाएगा हल्का फुल्का। भाई ये आपका एसी वेंट्स आते हैं 4, 2 एयरबैग मिलते हैं ABS EBD और ब्रेक असिस्ट के साथ। भाई मैनुअली एसी मिलता है इसके अंदर, रियर डिफोगर वगैरह नहीं आता है। भाई नीचे ना 12 वाट का सॉकेट दिया हुआ है इसके अंदर, आप चार्ज वगैरह कर सकते हो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ यहाँ पे। नॉर्मल सा आपको गियर लीवर मिलता है इसके अंदर, ब्लैक पियानो फिनिश कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको, और टिल्ट स्टेयरिंग रहेगा,
टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं आता है भाई। साइड में आपको ये लाइट्स एडजस्टमेंट वगैरह के लिए दिया हुआ है इसके अंदर, और ये ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह इसके अंदर भी दिया हुआ है भाई। ये अपने ग्लास होल्डर्स वगैरह दिए हुए, छोटा मोटा सामान रख सकते हो। ये अपने बॉटल होल्डर्स फ्रंट के दरवाजों में दिया हुआ है। तो भाई गाड़ी के ना ग्लव बॉक्स की बात कर लेते हैं भाई। तो ठीक ठाक इसमें ग्लव बॉक्स मिल जाता है, इसमें छोटा मोटा आप या तो अपनी ये सर्विस बुकलेट वगैरह रख सकते हो, या छोटा मोटा आइटम इसमें आप रख सकते हो भाई। सनवाइजर्स वगैरह इसमें भाई, ये सनवाइजर्स वगैरह के अंदर ना तो इसमें आपको मिरर्स मिलता है, ना ही भाई को इसमें टिकट पॉकेट्स वगैरह कुछ मिल जाता है इसके अंदर भाई। ठीक ठाक इसमें लाइट्स मिल जाती है, JBL के स्पीकर लगवा सकते हो, और भी अच्छा अच्छा आप आइटम्स इसमें आप इंस्टॉल करवा सकते हो। देखो पावर विंडोज नहीं आती, पावर विंडोज लगवाओ भाई। मैनुअली की मिलती है इसके अंदर, आप इसमें सेंटर लॉकिंग ऐड ऑन करवा सकते हो, बाहर से आप इसमें अलॉयज डलवा सकते हो, काफी कुछ ज्यादा ऑप्शन मिलता है इस गाड़ी के अंदर। सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन वाला वेरियंट है स्विफ्ट का LXi। पीछे की बात कर लें एक बार भाई, पीछा डोर ओपन करना है ना तो यहां से आप ओपन कर सकते हो। कुछ इस तरह आप ओपन करोगे, और भाई पीछे भी आप दो बोतल होल्डर्स मिल जाते हैं। बेसिकली स्पीकर्स वगैरह नहीं आते हैं, तो जहां सिस्टम नहीं आएगा तो वहां स्पीकर्स भी नहीं मिलते हैं। स्पीकर्स के लिए ऑप्शन दे रखा है, आप स्पीकर्स फोर स्पीकर्स लगवा सकते हो, ट्विटर्स वगैरह भी लगवा सकते हो। और भाई IRVM ये आपको भाई मैनुअली मिलेगा, एडजस्टेबल वाला नहीं, स्टिक वाला नहीं मिलता। और ये सनवाइजर भैया यहाँ पे नॉर्मल सनवाइजर मिलता है, ये आपको लाइट्स मिल जाती हैं, लाइट नॉर्मल आपको सनवाइजर मिलते हैं, और ये अपना हैलोजन लाइट्स मिलती है, बल्ब मिल जाता है छोटा, इसको भी चेंज करवा सकते हो। ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, और भाई ये जो सीट्स दी हुई है ना, सीट्स बिल्कुल फिक्स है, इसमें कुछ भी आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, फिक्स बोलते हैं इसको, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप आफ्टर मार्केट पूरी ही सीट चेंज करवानी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं आता। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरी फिक्स है ये सीट, और ना ही आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। पीछे की अगर बूट स्पेस वगैरह ओपन करना है, वो आपको यहाँ से ओपन करोगे, और ये फ्यूल लिड ओपनर दिया हुआ है, और आपका ये बूट स्पेस, ये दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप का 268 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है, ना आपको यहाँ पे लाइट्स का ऑप्शन दिया हुआ, बस यहाँ पर जैक पाना रोड वगैरह मिल जाता है बेसिकली, और ये स्पेयर व्हील आ जाएगा नीचे भाई। ना आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे मिलती है, और जो रियर सीट है ना, ये भी बिल्कुल फिक्स मिलती है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है इसके अंदर, ये फिक्स मिलेंगे आपको इस गाड़ी के अंदर भाई। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ ओपन के लिए, वो आगे से ही ओपन होगी गाड़ी आपकी। तो चलिए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर लें, तो इसमें भाई 37 लीटर का ना इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, वो भी पेट्रोल का। इसमें देखो भाई कोई अपना CNG को ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अगर CNG आप आफ्टर मार्केट इसमें इंस्टॉल डिग्गी में करवाते हो ना, तो भाई वो नॉब आगे मिलेगी आपको इंजन की तरफ। आफ्टर मार्केट इस गाड़ी को आप इतना ज्यादा कस्टमाइज करवा सकते हो। मार्केट में आज के टाइम के अंदर सिर्फ दो गाड़ी है जो सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन है, वो है पहली मारुति की स्विफ्ट, और दूसरी है हुंडई की क्रेटा। भाई सबसे ज्यादा इसमें कस्टमाइज किया जाता है भाई, आफ्टर मार्केट में कुछ भी आप करवा सकते हो, स्टेयरिंग कंट्रोल्स, स्पीडोमीटर चेंज करवा सकते हो, टच स्टीरियो अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा आप लगवा सकते हो, JBL के स्पीकर लगवा सकते हो। तो भाई आप लोगों को ढेर सारा प्यार चाहिए भाई, लाइक्स चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, शेयर करो भाई वीडियो, और भी वीडियोज डालेंगे भाई। और भाई ऐसे अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं है तो भाई वीडियोज बनाते चलेंगे। थैंक यू सो मच भाई, और भी गाड़ी एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे, अभी शुरुआत करी है हमने, तो भाई लगे रहेंगे। ठीक है जी, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी।